मायावती ने आकाश आनंद को पद से हटाया तो अखिलेश यादव ने कह दी बड़ी बात। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी के अंदर की बात बताई, आकाश आनंद को मायावती ने क्यों हटाया इसके पीछे की वजह बता दी। अखिलेश की बात सुनकर अब मायावती क्या कहेंगी, क्या अखिलेश के दावे को करेंगी स्वीकार या फिर करेंगी पलटवार। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने 7 मई की रात एक बड़ा ऐलान किया। मायावती ने बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को न सिर्फ अपने पद से हटाया बल्कि अपने उत्तराधिकारी के अधिकार से भी मुक्त कर दिया। इसके लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने जिन कारणों का हवाला दिया उनमें एक कारण यह है कि मायावती समझती हैं आकाश आनंद की राजनीति अपरिपक्व है, लेकिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बीएसपी प्रमुख मायावती के स्तर पर एतराज है। अखिलेश मायावती के स्तर को पचा नहीं पा रहे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आकाश आनंद को पद से हटाने के पीछे एक अलग ही वजह बताई, जिसे मायावती सुनेंगी तो गुस्से से आग बबूला जरूर होंगी, पलटवार करने का प्रयास तो जरूर करेंगी। बहरहाल अखिलेश ने इस पर अपनी जो प्रतिक्रिया दी वो काफी चौंकाने वाली है। एक तरह से बीएसपी प्रमुख मायावती की राजनीतिक कोशिश पर बड़ी चोट है और आकाश आनंद की राजनीति के जले पर नमक छिड़कने जैसा है। अब सवाल है आखिर अखिलेश यादव ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनेंगी तो मायावती बेचैन होंगी और सोचेंगी क्या आकाश आनंद को अपने पद से हटाकर उन्होंने सही फैसला लिया। चलिए अखिलेश को इस प्रतिक्रिया से आपको वाकिफ कराते हैं जो उन्होंने मायावती के इस फैसले पर दी है। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बसपा ने अपने संगठन में बड़े बदलाव का जो कदम उठाया है वो उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है। दरअसल इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती नहीं दिख रही, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है, इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है। लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। सच तो यह है कि जब बसपा का प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी पिछले 3 चरणों में उनकी एक भी सीट नहीं आ रही तो फिर बाकी के 4 चरणों में तो कोई संभावना बचती ही नहीं। अंदर खाने एक चर्चा और बहुत अहम है, वो ये कि मायावती किसी सूरत में अपने भविष्य की विरासत को केस मुकदमों में फंसा देखना नहीं चाहती। जिससे बीएसपी की विरासत संभाली हो, जिससे मूवमेंट की इस राजनीतिक शाखा को आगे बढ़ाना हो, वो अदालतों के चक्कर लगाए ये मायावती को पसंद नहीं था। भविष्य के अपने नेतृत्व को सुरक्षित रखने के लिहाज से मायावती ने फिलहाल आकाश को दूर करने का फैसला किया। वहीं आकाश आनंद को हटाकर मायावती ने राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की कि वो कीचड़ उछाल की राजनीति नहीं करती। बता दें कि इस तरह उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में भाई भतीजावाद का आरोप लगने के बाद भाई आनंद कुमार को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद हटा दिया था, लेकिन चुनाव बाद फिर से बना दिया। आकाश आनंद को भी हटाकर मायावती ने संदेश देने का काम किया कि उनके लिए परिवार नहीं पार्टी और मूवमेंट जरूरी है। आकाश की 2 चुनावी सभा में आम बोलचाल में बोली जाने वाली गाली शब्द का प्रयोग हुआ। आकाश आनंद ने योगी सरकार के लिए आतंक की सरकार का इस्तेमाल किया। इसके बाद बीएसपी सुप्रीमो को लगा कि केंद्र और योगी सरकार से सीधा पंगा उनके सियासी भविष्य को खतरे में डाल सकता है, और जब मामले दर्ज होने शुरू हुए तो मायावती ने आकाश को इससे अलग रखना ही बेहतर समझा। आकाश आनंद ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी जा रही थी तब मायावती ने कहा था कि पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, यह बहुजन मूवमेंट की जिम्मेदारी है, इसलिए गलती की कोई गुंजाइश नहीं और जैसे दूसरों को पदों से हटाया वैसे ही उन्हें भी हटाया जा सकता है। मायावती आकाश आनंद की विरासत के तौर तरीकों से नाराज थी।